तो चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं एचकेएन व्हील्स के बारे में। तो इनके तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें वो बीएमडब्ल्यू 8000 आरआर को 304 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाए। जी हां, 304 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप खुद देख लो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आलियान ब्लॉग्स के बारे में। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया था कश्मीर से जम्मू लौटते वक्त। तो अभी सल्लू खान ब्लॉग्स की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें आलियान ने बताया कि उनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है। आप वो क्लिप देख लो। क्या हुआ? टूट गया यार। एंड एक्सीडेंट होने का मेन रीजन था वहाँ का रोड बहुत खराब था जिसके वजह से उनकी बाइक जंप हो गई। एंड अभी आलियान की तरफ से एक इंस्टाग्राम रील आया जिसमें वो अभी हॉस्पिटल में दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जट प्रभ्योत एंड जानू स्टंट के बारे में। तो आपको पता होगा जानू स्टंट रिसेंटली एक व्हाइट स्कॉर्पियो बाय किए थे जिसे वो रैप करवा के ब्लैक करवा दिए थे। एंड उसका नाम वो गैंगस्टर स्कॉर्पियो रखे हैं जिसके ऊपर जट प्रभ्योत अपने रिसेंट ब्लॉग में थोड़ा सा रिएक्ट किए थे। ब्लैक मेरे को थोड़ा ब्लैक ही मिल रही थी। नहीं नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या हो रहा है ना, आपको लोगों को बताऊं, इसने सही सवाल पूछा है। आप ही थोड़ा यूट्यूब में ना बहुत से लोग गैंगस्टर बन रहे हैं, तो रुको हम आते हैं ओरिजिनल गैंगस्टर। तो इसी चीज के ऊपर जानू स्टंट सुमित ब्लॉग्स के वीडियो में रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे। जानू, एक चीज और आपसे पूछनी है कि जब आपने ये स्कॉर्पियो ली थी ये वाइट थी, तो ब्लैक कराने का कोई रीजन? गैंगस्टर तो हाँ, मैंने एक व्लॉग भी अभी लेटेस्ट देखा है, बंदे ने पॉइंट आउट करा बट आपका नाम नहीं लिया इस चीज को लेके कि लोग वाइट गाड़ी लेके ब्लैक करवाते, तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपको पॉइंट आउट किया। क्या बताऊं, हमारे सीनियर क्रिएटर, हम क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्रैगर G900 के बारे में। तो आपको पता होगा ये काफी बार यूके जर्सीमैन राइडर को एक्सपोज कर चुके हैं अपने वीडियो में। एंड आप इनको तो जानते ही होंगे जिनका नाम है दीक्षा थापा, जो कि यूके जर्सीमैन राइडर के ब्लॉग्स में पहले हमेशा दिखती रहती थी। तो कल ड्रैगर G900 की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें दीक्षा थापा उनसे मिली, आप खुद देख लो। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या यूके जर्सीमैन राइडर एंड दीक्षा थापा के बीच कुछ सीन हो गया है? हमें कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट अपडेट प्रो राइडर 1000 से रिलेटेड। तो इनके चैनल से कल एक ब्लॉग आया जिसमें प्रो राइडर के फादर कैमरा से रिलेटेड अपडेट देते हुए कुछ ये कहे। मुझे एप्पल से इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, वो मेरे कैमरे मेरे को लौटा रहे हैं, उसमें सारी चिप्स मौजूद है जो उस कैमरे में वहाँ की जो पुलिस में सहयोग कर रही है कि जो रॉ फुटेज मिली है वो किसी के पास नहीं। GoPro 8, GoPro 10, 360, उसमें जो रॉ फुटेज है आने वाले टाइम पे मैं वो रिवील करूंगा, लेकिन मेरे को उससे पहले SSP सर से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ उसमें फुटेज उन्होंने मना किया कि अभी नहीं दिखाना पब्लिक में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलविश यादव एंड पायल गेमिंग के बारे में। तो आपको पता होगा जब से एलविश यादव गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तभी से हर एक दिन उनके फैंस कमेंट में सिर्फ पायल गेमिंग स्पैम कर रहे हैं। तो कल वाले लाइव स्ट्रीम में एलविश इसके ऊपर काफी एंग्री दिखे, आप खुद देख लो। पायल 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 हो रखी है यार भाई, तुम रोज रोज यार ऐसा मत करो यार। ठीक है भाई, वो अपना गेम खेल रही है बंदी, हम अपना खेल रहे हैं, सो मच डिफरेंसेस यू नो, है ना। तो ऐसे यार किसी का नाम मतलब भाई, अरे क्या बात होगी यार, हद हो गई। पायल गेमिंग के बारे में कुछ बोलो और शाउट आउट गायब बॉय। पायल गेमिंग के बारे में क्या बोलूं भाई, वो भी यूट्यूबर है यार, बढ़िया गेम खेलती है, बढ़िया करने दो उनको। नेक्स्ट हम बात करने वाले पारस ठकराल ब्लॉग्स एंड इनकी वाइफ स्नेहा सचदेवा के बारे में। तो आपको पता होगा अभी इनके बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कल क्रेजी दीप की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें वो एक्सपोज किए इन दोनों को, आप खुद देख लो। डिवोर्स के साथ इन दोनों के बीच की लड़ाई है बच्चों को लेके, कि कस्टडी में रखूंगा, मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो बच्चा मैं रखूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से इन दोनों का चैनल देखो तो ये दोनों मिलके अभी तक 9 वीडियोस डाल चुके हैं। 9 ही वीडियोस पे मिलियन में व्यूज है, सारी वीडियो मोनेटाइज्ड है, मतलब पैसा, सब्सक्राइबर, व्यूज, ये तीनों चीजें तो बढ़ा ली, लेकिन बच्चे के लिए केयर कहाँ पे? जब बच्चा 15-16 साल का होगा तो वो यूट्यूब पे देखेगा कि कैसे मेरा बाप मेरी माँ को मारता था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।